मैं चाहती हूँ कि नीलम बाजी के बारे में हम आज बात करें. और नीलम बाजी ने किताबें भी लिखी हैं और अभी कब आपकी लॉन्च होने वाली है किताब? लाहौर में 3 मार्च को होगी. अच्छा, मेरी नई किताब आई है माशाल्लाह. और किस नावल वो क्या बेस करती है, मतलब क्या टॉपिक वो है? वो टॉपिक ये है कि जो पाकिस्तान से बाहर रहने वाले लोग हैं, खासतौर पे अमेरिका में, तो उनकी जिंदगियों पे किस तरह से 9/11 के बाद असरात मुरतब हुए. अच्छा, और बस वो कहानी है. मतलब सारे लोग, चाहे वो बच्चे हों चाहे औरत हो, जो लोग रहते हैं वहाँ, जो वहाँ रहते हैं पाकिस्तानी लोग और दूसरी तहजीबों के लोग मिलजुल कर जो रहते हैं वहाँ, एक मेल्टिंग पॉट है. या जो लोग जाने का प्लान भी कर रहे हैं, अक्सर लोग यही ख्वाब देखते हैं, बस यहाँ पढ़ो लिखो भाग जाओ बस बाहर. तो ये किताब, ये उनके बारे में जो ऑलरेडी वहाँ रहते हैं, सेटल्ड हैं, तो अब उनकी जिंदगियाँ कैसी हैं और वो कैसे किन हालात से गुजरते हैं और गुजर चुके हैं. तो इस किताब को लिखने के लिए आप वहाँ गई हैं, ऑब्जर्वेशन या इधर उधर से किस तरह आपने ये सोचा? हाँ, कि मैं इस टॉपिक पे लिखूं? रहती हूँ अमेरिका में काफी. अच्छा, बच्चे भी वहाँ रहते हैं. ओके, अच्छा, तो तजुर्बा है जाती. अच्छा, तो जाहिर है तजुर्बे जाया नहीं करने चाहिए. और बिल्कुल, क्योंकि असल जो कहानी है उन्होंने इधर उधर से न्यूज से तो पता चलती है, लेकिन जो वहाँ इन पर आ बीती है या ये देखकर आई हैं, अपनी आंखों देखी हाल इन्होंने किताब में. ये इनका पहला नॉवल है, इससे पहले इनकी 8 शॉर्ट स्टोरीज की किताबें आ चुकी हैं. ओ, तो पिछले 18-20 साल से लिखने के प्रोसेस में. और शायरी भी तो करती हैं. हाँ, वो भी है. मैंने अक्सर वो देखा है, फेसबुक पे सुना है मैंने. बहुत मस्ती भरी शायरी भी, वो जो आप लोग देखते हैं ना, नज्म में पढ़ रही हूँ, वो मजे मजे की जो नज्म होती है. तो आपकी बहनों में सबसे लिटरेरी जो है वो नीलम? बस यही है जो अब्बा की लेगेसी चला रही है. हम तो इनके पीछे पीछे. और